हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सीटेट के सुपर फास्ट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपको 5 मिनट के अंदर इस वीडियो के अंदर 1 से लेकर 30 तक CDP एंड पेडागोजी यानी बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों का सही और सबसे तेज सटीक जवाब बताने वाले हैं। कोई भी यहां पर व्याख्या नहीं, केवल अपने प्रश्नों का आंसर देखिएगा और इसे मिलाइएगा कि कितने प्रश्न सही हैं। सेट कोई भी हो आपका, 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन के बीच में ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जो अभी कथन फर्स्ट दिया हुआ यानी ए दिया हुआ है, वह कह रहा है शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण इसका आर में क्या दिया हुआ है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वह समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वह राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो था दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा, वह कौन सा क्वेश्चन था, हुआ था निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है यानी कौन सा होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर था वह हो जाएगा ए यानी 1 नंबर, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का जो क्वेश्चन था वह था विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। तो अगर आपने तीसरा आंसर सही मारा है, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानो विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, यही आपका सटीक आंसर था, यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वह था हमारा, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो गया था इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो अधिगम के दौरान कौन सी प्रक्रिया हमें जो है योगदान नहीं देती है, तो गैर प्रसंगीकरण। अगर आपने 1 नंबर क्वेश्चन लगाया है तो आपका यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो सबसे प्रभावी जो तरीका था वह था उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, 1 नंबर जो था वह सही हो जाएगा। आपको फटाफट बस आंसर पर टिक करते जाना है, बाकी व्याख्या इसमें हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह 7 नंबर का क्वेश्चन था, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो अनुभवात्मक अधिगम जो है वह एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर बल देता है, इसलिए 1 नंबर जो है सही हो गया था। तो 7वां का 1 नंबर जो है यही आपका सही होगा। नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट क्या था, इसमें भी कथन दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना था इसमें। तो क्या कह रहा है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन 4 जो है यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था 10 नंबर का, लेव वाइगोस्की के अनुसार .. बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तो कौन निभाता है इसमें, सहकर्मी सहयोग, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की से दूसरा क्वेश्चन था जो है 10वें नंबर का, वह कौन सा था, वह था लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक। तो आंतरिक वाक यानी बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। 11वें नंबर का क्वेश्चन जो है वह है
चार वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है, तो उसकी सोच की विशेषता इसमें हो जाएगी जीववादी चिंतन, यानी वह जीवित है यानी जिंदा है। आपके प्रश्न में ही छुपा हुआ था, इसलिए ऑप्शन फोर्थ जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, शैशवावस्था में सामाजिककरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिककरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें सबसे पहले भरा जाएगा प्राथमिक तथा दूसरे सामाजिककरण की माध्यमिक संस्थाएँ भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसका अगर आपने चौथा नंबर का क्वेश्चन लगाया है तो आपका यह क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 13 नंबर का, वह कौन सा था, लियो वाइगोस्की के अनुसार। इन पर 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, अब जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया है, अगर आपने देखा होगा तो आपको बड़े अच्छे से याद रहा होगा। लियो वाइगोस्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, तो अगर आपने एक नंबर मारा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन 14 का दूसरा पारंपरिक स्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर हमारा, कथन दिया हुआ है, अगर आपको शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण आर दिया हुआ, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था तो आपका जो है चौथा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जो भी इस कथन से संबंधित क्वेश्चन इस फर्स्ट पेपर में आए हुए थे उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ए और आर दोनों सही तथा उसकी सही ए जो है व्याख्या करता है, यही आपका सही आंसर था। नेक्स्ट है आपका जो है 16 नंबर का क्वेश्चन, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन 2 नंबर आपका सही हो गया था। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो अगर आपने 3 वर्ष मारा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 14 नंबर, नारीवादी दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक .. है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, केंद्रीयन हो जाएगा, यानी क्वेश्चन में ही दिया हुआ जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने, तो केंद्रित दिया हुआ यानी केंद्रीयन हो जाएगा। अगर आपने चौथा मारा है तो बिल्कुल सही आंसर मारा है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन था 20 नंबर का, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है, तो वह जो है त्वरण यानी गतिवर्धन कहलाता है। अगर आपने 2 नंबर मारा है तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब डिसग्राफिया से क्वेश्चन देख लेते हैं। डिसग्राफिया तो यह एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट था हमारा, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे क्या हो जाएगा, पाठ्यचर्या में अनुकूल करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, या फिर विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो अगर आपने 4, 1, 2, 3 मारा है तो बिल्कुल सही आपने लगाया है टिक। नेक्स्ट क्या है, हार्वर्ड
गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास अंतः व्यक्ति प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास दिक्स्थान प्रकार की बुद्धि का एक मात्रक है। अगर आपने दो नंबर मारा है अंतः व्यक्ति और दिक्स्थान तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट था 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो विशिष्ट विशेषता जो है इसमें सही हो जाएगा बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, ऑप्शन दो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से स्थूल गति कौशल, तो स्थूल गति कौशल कौन सा है, तैरना, चार नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भौतिक वृद्धि और विकास के डॉट डॉट और सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो किसका, विकास के शीर्षगामी यानी अवरोही और समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो अगर आपने चार नंबर ऑप्शन मारा है तो बिल्कुल सही सटीक मार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डॉट डॉट और सोच डॉट डॉट है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डॉट और सोच डॉट है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि दर स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक है। तो अगर आपने चौथा नंबर मारा है आंसर तो बिल्कुल सही आपका जाएगा। नेक्स्ट क्या था, फटाफट आप लोग आंसर की मिलाइए और देखते जाइए, स्ट्रेस मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदलती है, तो एक नंबर आपका सही हो जाएगा। हमने 5-5-10 मिनट की वीडियो में सारे सब्जेक्ट के आंसर की बता दी है। आप फटाफट हमारे प्लेलिस्ट में जा करके बस सारी वीडियो देखें और अपने प्रश्न सेट को मिला लें। मात्र 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में हमने सारी वीडियोस करवा रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, तो आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। आंतरिक मतलब खुद पर वो जो है दे रहा है, इंटरनल अपनी कमी को जिसमें दिखाया जा रहा है कि मैंने मतलब खुद से मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं फेल हो गया, इसलिए चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा। जो लास्ट है और 30 नंबर का क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन था, वह क्या कह रहा है, इसमें कथन से संबंधित है। पहला जो है कथन ए है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर के अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलाने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए और आर दोनों बिल्कुल सही था, तथा आर ए की सही व्याख्या थी। तो चौथा अगर आपने लगाया है तो वह बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट जो है हमने आंसर की करवाया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखें। तो इस प्रैक्टिस सेट में आप बताएं, कमेंट करके बताएं आपका कितना जो है 30 में से कितना सही जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।